गुड मॉर्निंग माता जी। तो गुड मॉर्निंग। आज बन रहे हैं परांठे पनीर के, गोभी के और मिर्ची के मिक्स। मिर्ची में तीन गुंजी है। समोसा, ये है समोसा परांठा, समोसे के शेप में। तो इसमें डाली गई है गोभी, मिर्च और हरी मिर्च डाली गई है, और पनीर और धनिया, कसूरी मेथी, पुतना और काली मिर्च वगैरह वगैरह। परौंठे बन रहे हैं आज, परौंठे खाएंगे। डाइट गई तेल लेने। ऐसे भी आज संडे है, संडे वाले दिन चीट डे चलता है, दो हफ्तों बाद। इतना घी खाएंगे तो कैसे फिट रहेंगे बाबू? देसी घी है, देसी घी तो और भी ज़्यादा होता है फैट वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज बहुत ही बैड न्यूज़ है। तो विक्की से मेरी बात हो रही थी कि आज कितने बजे मोटर पे जाएं, क्योंकि आज संडे है, मोटर पे जाने का प्लान था। तो विक्की बोला शायद आज ना हो पाए, क्योंकि 11 बजे उसकी मीटिंग अरेंज कर दी गई है उनके ऑफिस वालों ने, स्टोर पे जहाँ पे वो काम करता था। तो वो बोल रहा है कि 11 बजे उसकी मीटिंग है। तो मैं अभी उसे कॉल करके पूछने वाला हूँ, अभी 12 बजने वाले हैं, कि भाई आज का क्या प्लान है। मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल ही हो जाएगा। वो बहुत ही बुरा हुआ यार, मतलब अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगा। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि टैडी का ये टॉय जो है धो दूँ, तो उसने खेल खेल के काफ़ी गंदा कर दिया। नीचे से वाइट कलर है और ये एलईडी देखो बेचारी, ऊपर मेरे रूम में ऐसी लावारिस पड़ी है, यहाँ पे लगेगी। ये अलमारी उठाकर उस कमरे में कर देंगे और यहाँ पे एलईडी लगा देंगे। तो स्टैंड लाना पड़ेगा यार, 500-600 का खर्चा स्टैंड का आ जाएगा। और मेरी ये रही शर्ट्स, तो ये सारी की सारी शर्ट्स मेरी है, इन्हें प्रेस करके रखना है। तो लो जी, बधाई हो गई, प्लान हो गया कैंसिल। अभी विक्की से बात हुई है, वो बोल रहा है कि पूरे साल की जो एक मीटिंग होती है, साल बाद होती है अकाउंटेंट्स की, तो वो मीटिंग है ये, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और ये तो कॉमन सेंस है, अगर साल भर की मीटिंग है तो भाई बहुत लंबी चलने वाली है। तो यार मुझे 2 हफ्ते हो गए प्लान करते हुए ये प्लान। तो अब जाके उन्होंने कल बताया कि मीटिंग है 11 बजे, तो वो गया हुआ मीटिंग पे, तो शाम तक आएगा। तो यार मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, तो प्लान कैंसिल है। डॉबी कैसे हो? डॉबी अभी मांग रहा है कैल्शियम बोन, इसे लगी है भूख। चलो इसे कैल्शियम बोन देते हैं। ये देखो इसका मुंह देखो, ये खाने वाला मुंह होता है, जब इसे खाना आता है तो ऐसा भोला सा मुंह बनाता है। तो डॉबी कैल्शियम बोन खानी है तुम्हें, ये खानी है, ये खानी है, हैं खानी है। चल पहले अपने बेड पे आ, चल। तो इसे हम खाना बेड पे देते ताकि बेड पे आदत पड़ी रहे। चल बेड पे आ पहले, ये ले। चलो बेड पे खाने की आदत डाल रहे हैं इसे, ताकि इसे जब भी खाना मिले बेड पे ऐसा आके खाए, कहीं इधर उधर ना फेंके, क्योंकि जब ज़मीन पे रखता है तो ज़मीन गंदी होती है, तो वो कीटाणु भी मुंह में जाते हैं। बेड में क्लीन है फिर भी, और इसका बेड भी धोने वाला है अभी, तो धोते हैं बेड इसका, देखते हैं कब। ये देखो ये खाता है ना, जब ऐसे निशान लगा देता है खाने वाले, कभी यहां, तो कभी यहां। तो इसे भी धोते हैं, पर आज शायद ना धो पाए, फिर कभी कल धोते हैं। चलो आज तो हम इसका जो टॉय धोने वाले हैं और बाकी के इसके कपड़े मैंने धो दिए हैं, तो ये बेड जो है कल धोएंगे, सुबह ही धो देंगे, क्योंकि फिर जल्दी सूख जाएगा। और इसके अंदर सिंथेटिक कॉटन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। डबी डबी, तो टायर का कलर और इसका कलर मैच हो गया, देखो ब्राउन ब्राउन हो गए दोनों। डबी कैसे हो? डबी तो अभी जा रहे हैं डॉबी का टॉय धोने के लिए, तो इसे भी मैं साथ ही में ले आया, क्योंकि घर पे और कोई है नहीं, ना सौरभ है ना मोम है, और नीचे ये धमा चौकड़ी मचा देगा अकेला। अरे यार ऊपर तो धूप ही बहुत होगी है, तो मुझे लगता है ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, दोपहर का एक बज चुका है, धूप तो होगी ही। नीचे वापस चलते हैं, नीचे इसका वॉश बेसिन में धो लेंगे हम टॉय, वहीं ठीक है यार, ऊपर गर्मी बहुत है। और इसे कहाँ रखूँगा गर्मी में, आज घर पर ही है, तो चलो सारे के सारे शर्ट्स प्रेस करके अलमारी में रखते हैं, टिप टॉप करके हैंगर्स में। ओके सो देयर आर 4 हैंगर्स एंड ईच हैंगर्स हैज 2 शर्ट्स डन। सुबह से घर पे मैं काम में बिजी था, और सुबह से अब घर से बाहर निकला हूँ, सुबह से घर से मैंने कदम भी बाहर नहीं रखा। अभी जस्सी का कॉल आया, वो बड़ा सुल्तानपुर चलते हैं, वो भी घर में बोर हो रहा था, वो भी नहीं मतलब वही बोर हो रहा था, मैं नहीं हो रहा था, मैं काम कर रहा था। तो जस्सी ने बोला कि चलो कुछ कर चलते हैं सुल्तानपुर, कुछ खा के, पास्ता खाने को मन है इसका, देखते जाके एक रेस्टोरेंट खुला या नहीं। फिलहाल तो हम जा रहे हैं सुल्तानपुर जस्सी के साथ। हेलो एवरीवन, ठंडी है, खुद ही बोल पड़ा, ये खुद ही बोल पड़ा ठंडी सी। हेलो, अब हम जा रहे हैं सुल्तानपुर की, और अभी तक बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा मोटर वाला प्लान कैंसिल हो गया, वहां जा नहीं पाए हम, अभी तक अफसोस हो रहा है। कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे का बनाएंगे प्लान, क्योंकि मैं तो जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का काम मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कम की शॉप होती है तो लॉकडाउन की वजह से सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसलिए वो उस दिन जाते हैं।
और पक्का तो नहीं, शायद हमें कल जलंधर जाना पड़े किसी काम से, एक काम है कुछ रह गया था हमारा उस दिन काम होने वाला, पक्का नहीं है। अभी पास्ता खाने आए हैं रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। तो हमें पहले लगा कि सीटिंग का यहाँ पे अभी नहीं होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी सीटिंग नहीं करता रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे है सीटिंग वाला, कोई है ही नहीं, टेबल खाली पड़े, तो बैठो आराम से, कोई बात नहीं है। और ये देखो पूरे के पूरे इधर भी टेबल, फैमिली ये वाले टेबल, ये टेबल, ये टेबल सब खाली पड़े, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मर्जी बैठो, कोई चक्कर नहीं। तो व्हाइट सॉस पास्ता मंगवाया है हमने। ये देखो दुनियादारी की कोई खबर नहीं, फ़ोन में घुसे पड़े हैं लोग, लोग आखिरकार पास्ता आएगी आधा घंटा वेट करने के बाद। घर को वापिस जा रहे हैं अभी हम दोनों, तो देखो इतना ज़्यादा दिन है और टाइम देखो जो है 8 बजने वाले हैं, टाइम में जो है 7:52 हो गए और इतना अभी दिन खड़ा है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे अभी 6 बजे हो या 5 बजे हो, काफ़ी दिन का भी बड़ा दिन हो गया, काफ़ी फर्क पड़ गया है।